बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए बीजेपी ने 11 अप्रैल को आयोजित सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जाँच की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी लगातार हेमंत सरकार की विफलताओं नाकामियों को उजागर करती रही है। सरकार ने आंदोलन के एक दिन पूर्व सभी जिलों में सरकारी आदेश जारी कर एंटी क्राइम चेकिंग के नाम पर प्रदर्शन में आने वाले नेताओं, वाहन चालकों, मालिकों एवं आम जनता को थाना प्रभारियों द्वारा डराया और धमकाया। रैली में आ रहे वाहनों की पूरे रास्ते में जगह जगह चेकिंग की गई ताकि जन सैलाब राजधानी रांची नहीं जा सके। रैली के एक दिन पूर्व झामुमो नेता के प्रेस वार्ता में सत्ता का अहंकार और जन आंदोलन का भय स्पष्ट उजागर हुआ। इसके बावजूद इस कार्यक्रम में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता एवं आम जनता ने धैर्य एवं संयम का परिचय दिया। कहीं भी कोई तोड़फोड़ व हिंसा नहीं हुई। ऐसे में पुलिसिया धौंस, फर्जी मुकदमों, संगीन अपराध की कानूनी धाराओं के आधार पर हेमंत सरकार अपने कुकृतियों पर पर्दा डालना चाहती है। बीजेपी ने राज्यपाल से पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए फर्जी मुकदमों की न्यायिक जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार से इस राज्य में लोकतंत्र की हत्या, जिस प्रकार से यहाँ के पदाधिकारी और अफसर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से शांति पूर्वक आंदोलन को कुचलने और दमन करने की साजिश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, हम सारे विषयों को लेकर के कि किस प्रकार से 11 तारीख के प्रदर्शन के पहले 10 तारीख को राज्य सरकार के निर्देश पर, सत्ताधारी दल के निर्देश पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के निर्देश पर सरकारी पदाधिकारी विभिन्न जिलों में किस प्रकार से। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता इस प्रदर्शन में आना चाहती थी, उसको रोकने का काम किया। उसके लिए किस प्रकार के दस्तावेज सरकार की ओर से पत्रक जारी किया गया, अपराध रोकने के नाम पर गाड़ी वाहनों को बुला बुला करके, पार्टी के मंडल अध्यक्षों को थाना में बुला करके संख्या न ले जाने का हिदायत दी गई, जो आज तक मेरे 40 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना है। पूरा झारखंड इससे मर्माहत हुआ। आंदोलन को कुचलने का काम, आंदोलन में संख्या न आए इसके लिए लगातार प्रयास किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मर्माहत जनता, झारखंड की मर्माहत जनता इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शरीक हुए और सर्व समाज सम्मिलित हुआ, सर्व स्पर्शी समाज सम्मिलित हुआ। सभी समाज के लोग उस आंदोलन में थे, जिसके गवाह आप सब लोग थे। इतनी बड़ी संख्या आई थी शांतिपूर्वक, एक भी शहर में कोई ठेले वाले को, कोई दुकान वाले को, कोई टेम्पो वाले को, किसी बस वाले को कोई भी शिकायत नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन को, प्रदर्शन को हम सब अपनी फरियाद रखना चाहते थे उस स्थान पर जहां से काली करतूत सचिवालय से होता है, काले कारनामे का वो स्थल है, वो स्थल पर जाकर हम सब लोग पत्र दे सकते थे, मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, जो सत्ताधारी दल है, उसके इशारे में जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, लाठियों का प्रहार किया गया, टीयर गैस छोड़ा गया, और टीयर गैस हम सबको जानते हैं कि 45 डिग्री के एंगल में छोड़ा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से राज्य के सरकार के जो वहां पर अफसर थे उनके निर्देश पर जिस प्रकार से फायरिंग की गई, वो टीयर गैस छोड़ा गया, सीधे आंदोलनकारियों को निशाने बना करके टीयर गैस छोड़ा गया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, कितने कार्यकर्ताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे, घायल हुए, और उसके बाद जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं,
इसके बारे में हम सब लोगों ने कहा कि पूरी इसलिए हम हमारी मांग को तो सुनिए कि नहीं, इसलिए हमने मांग रखा कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पर होना चाहिए, एक न्यायिक प्रक्रिया से एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पर किया जाए और दूध का पानी होना चाहिए। और हम लोगों ने अपनी फरियाद को रखा है, महानिम ने सारी बातों को सुना है और महामहिम से हमने आग्रह भी किया है कि हस्तक्षेप करें डिसीजनों को। महामहिम ने कहा है कि संवैधानिक देखिए, हम तो पुराना लड़ाकू हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ाका है जनता के हित के लिए, एक नहीं कई मुकदमे भी दायर करेंगे, लेकिन जनता के हित के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए, बेरोजगारों को जो आत्मा को प्रहार किया है, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए एक नहीं कई मुकदमा करिए। हमारा संघर्ष जारी रहेगा आपके खिलाफ, आपके खिलाफ मतलब अन्याय के खिलाफ। तो 22 को जाएंगे के लिए निश्चित, अब समय का इंतजार कीजिए। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा के कई विधायकों के अपने संपर्क में होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसलिए दीपक प्रकाश राजभवन और ईडी दफ्तर के बीच कित-कित खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। शायद विचलित थे दीपक प्रकाश जी इन बातों को जान करके, इसलिए कभी वो गवर्नर हाउस जाते हैं, कभी वो ईडी दफ्तर में FIR दर्ज कराने जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई काम तो बचा नहीं, क्योंकि राज्य की जनता ने सत्ता से उनको बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैबिनेट के मंत्री से चुनाव हार गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं रहा है। तो जब कुछ है नहीं तो कुछ तो करेंगे, तो कुछ जब करेंगे तो क्या करेंगे? कभी भाजपा का दफ्तर राजभवन शिफ्ट करेंगे, कभी भाजपा का दफ्तर ईडी कार्यालय शिफ्ट करेंगे। ये लोग कित-कित खेलते हैं, राजभवन, ईडी दफ्तर, भाजपा दफ्तर। तो ये जो कित-कित वाला इन लोगों का खेल है ना, राज्य की और देश की 140 करोड़ जनता पूरी लंगड़ी मार करके इन लोगों को गिरा देगी। 2024 भारतीय जनता पार्टी के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी। यहाँ पर जो आते हैं एक दिन मंत्री जी को ग्रीन सिग्नल क्लीन चिट दे देते हैं अविनाश पांडे जी, और दो दिनों में मंत्रियों के साथ कौन सा ऐसा डील होता है कि मंत्री अच्छे हो जाते हैं। अब तो कांग्रेसियों की हालत ही हो गई, आधे वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और आधे वोट भारतीय जनता पार्टी के पास। बिना जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे 16 में आपने देखा था सदानी के साथ, आधे इधर आधे उधर, अकेले है कांग्रेस। बराबर वोट बढ़ जाएगा तो सत्ता, आप देखते जाइए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी झारखंड में बनेगी जिसका एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं जा पाएगा, उसकी जो मूलभूत वोटर है वो चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में आधा, और आधा तो हमारे साथ। कांग्रेस का सत्याग्रह का समापन है कल। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.